सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय भी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हमने बात कर रहा है कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्लर्क्स ऑफिसर का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ हमारे पास कैनरा बैंक का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा जो कि कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स की सारी वीडियोज़ हो जाएंगी, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियोज हो जाएगा, 3 से 6 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है इसका 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले साल बात है, इफ 5 इंस्टेंसेज ऑफ वॉलिएशन ऑफ एग्रीमेंट डिफिशेंसी इन सर्विस बाई द ब्रांच, द लेवी ऑफ सच पेनाल्टी विल बी प्लेस्ड इन पब्लिक डोमेन, पेनाल्टी विल बी लेवाइड रुपीज इमिडिएटली। अगर ऐसा 5 घटना होता है जिसमें उल्लंघन पाया जाता है एग्रीमेंट में, डिफिशेंसी में, जो भी सर्विस ब्रांच देती है, इस तरह का अगर पेनाल्टी जो पब्लिक डोमेन में प्लेस किया जाएगा वो कितने रुपए का होगा, ठीक है, तुरंत से जो लागू होगा। ए ऑप्शन है ₹1 लाख, बी ऑप्शन ₹2 लाख, सी ऑप्शन ₹5 लाख, डी ऑप्शन ₹10 लाख। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ₹5 लाख। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, व्हाट इज द मिनिमम कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल प्लस कैपिटल कंजर्वेशन बफर एज पर बेसल 3 गाइडलाइंस बाई RBI। बोलता है कितना कम से कम कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल प्लस कैपिटल कंजर्वेशन बफर बेसल 3 गाइडलाइंस के हिसाब से RBI के द्वारा होना चाहिए। ए ऑप्शन है 5.5%, बी ऑप्शन 6.5%, सी ऑप्शन है 7.5%, डी ऑप्शन है 8%। जो मिनिमम कॉमन इक्विटी टीयर वन का जो कैपिटल होगा और इसमें प्लस जो है कैपिटल कंजर्वेशन बफर, ये होगा आपका दोनों मिला के 8%, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, एलिमेंट्स ऑफ कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल इंक्लूड्स, क्या क्या एलिमेंट्स जो होंगे कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल में इंक्लूड किए जाएंगे। ए ऑप्शन है कॉमन शेयर्स इश्यूड बाय द बैंक, बी ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉमन शेयर्स इश्यूड बाय द बैंक, बी ऑप्शन हो जाएगा स्टॉक सरप्लस रिजल्टिंग फ्रॉम द इश्यू ऑफ कॉमन शेयर्स, यानी स्टॉक सरप्लस जो जिसके वजह से इश्यू किया जाएगा कॉमन शेयर्स, डी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन स्टैच्यूरी रिजर्व्स, डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। जो एलिमेंट होता है कॉमन इक्विटी टियर वन कैपिटल के जिसमें क्या क्या इंक्लूड किए जाएंगे, जो ए ऑप्शन है आपका, यानी कॉमन इक्विटी टियर वन में जो होगा कॉमन शेयर जो इशू करता है बैंक को वो, बी ऑप्शन स्टॉक सरप्लस जिसकी वजह से इशू किया गया कॉमन शेयर्स वो, सी ऑप्शन है स्टैच्यूरी रिजर्व्स भी रहेगा, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, एडिशनल टियर वन कैपिटल रिक्वायर्ड एज पर बेसल 3 गाइडलाइंस, एडिशनल टियर वन कैपिटल जो कि चाहिए होता है बेसल 3 गाइडलाइंस के हिसाब से वो कितना होना चाहिए। ए ऑप्शन है 5.5%, बी ऑप्शन 2.5%, सी ऑप्शन है 8%, डी ऑप्शन है 1.5%। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन है जो हो जाएगा एडिशनल टियर वन कैपिटल जो चाहिए होता है बेसल 3 गाइडलाइंस की रिक्वायरमेंट के लिए वो है डी ऑप्शन 1.5%। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, मानी फुल फॉर्म क्या है, मनी मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर हैज बीन लॉन्च फॉर, मानी यानी मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर ये लॉन्च किया गया किस चीज़ के लिए। ऑप्शन है हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन, बी ऑप्शन है फिजिकली चैलेंज पर्सन, डी ऑप्शन विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, डी ऑप्शन डम्ब पर्सन। तो बेसिकली ये जो लाया गया है मानी मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर लॉन्च किया गया है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, सेटलमेंट रिस्क टू बी कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड है, सेटलमेंट रिस्क को हम क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है मार्केट रिस्क, बी ऑप्शन है हरस्टैट रिस्क, सी ऑप्शन है एक्सटर्नल रिस्क, डी ऑप्शन है इंटरनल रिस्क। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हरस्टैट रिस्क बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, पिलर 3 प्रोविजंस रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, पिलर 3 प्रोविजंस किसको रेफर करता है। ए ऑप्शन है SREP, बी ऑप्शन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सी ऑप्शन है डिस्क्लोजर नॉर्म्स, डी ऑप्शन है एक्सपेंडिचर प्रोविजनिंग। सही ऑप्शन क्या होगा, तो जो पिलर 3 प्रोविजन है जो कि रेफर करता है आपको किसको, तो सही ऑप्शन रहेगा सी, डिस्क्लोजर नॉर्म्स को। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ टीयर वन कैपिटल, इनमें से कौन सा जो है टीयर वन कैपिटल का पार्ट नहीं है। ए ऑप्शन है शेयर प्रीमियम, बी ऑप्शन है जनरल रिजर्व, सी ऑप्शन है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, डी ऑप्शन है कैपिटल रिजर्व्स। सही ऑप्शन क्या होगा, तो इसमें से कौन सा जो है टीयर वन कैपिटल पार्ट नहीं है आपसे सवाल पूछा गया है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पार्ट नहीं होगा टीयर वन कैपिटल का, सी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 9 में ये, इंटरेस्ट रेट रिस्क इज ए मेजर ऑफ, इंटरेस्ट रेट रिस्क किसका मेजर होता है? ए ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रिस्क, बी ऑप्शन मार्केट रिस्क, सी ऑप्शन एक्सटर्नल रिस्क, डी ऑप्शन इंटरनल रिस्क। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क जो होता है ये मार्केट रिस्क को रिलेट करता है, सी ऑप्शन जगह बी। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, ऑपरेशनल रिस्क इज एसोसिएटेड विद, ऑपरेशन रिस्क किसके साथ एसोसिएटेड होता है? ए ऑप्शन है इनइफिशियंट पीपल, बी ऑप्शन है नेचुरल क्लैमिटी, सी ऑप्शन है इनएडिक्वेट इंटरनल प्रोसेस, डी ऑप्शन है ऑल द अबव। सारी बातें सही हैं। जो हम बात कर रहे हैं ऑपरेशनल रिस्क, वो किसके साथ एसोसिएटेड हो जाएगा आपका? तो ऑपरेशनल रिस्क एसोसिएटेड हो जाएगा इनएफिशिएंट पीपल के साथ, नेचुरल क्लैमिटी के साथ, इनएडिक्वेट इंटरनल प्रोसेस के साथ, यानी सभी के साथ है, इसलिए सही ऑप्शन है डी, ऑल द अबव। यहाँ हमारे पास कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है, जिसमें आपको प्योरली फॉर कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कि कवर करेगा सारा सेक्शंस को, सारे सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे लेटेस्ट वाले, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन सजेशन की वीडियोज हो जाएगा, 3 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया इसका 2,000 रुपये, 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4×9 68 51 27, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jbcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seetsina123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।